पुलिस प्रशासन के नकारात्मक रवैये की खबर तो आज दिन सुर्खियों में रहती है, लेकिन राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ पुलिस ने देशभक्ति और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए दो महिलाओं की तालाब में कूद कर जान बचाई, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया। नरसिंहगढ़ के बड़े तालाब में दो महिलाएं अज्ञात कारणों से कूद गई थी, जिसकी सूचना वहां मंदिर से लौट रहे दीपेंद्र शर्मा को लोगों द्वारा दी गई। थाना प्रभारी हेमचंद्र लाड़िया तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जहां बगैर एक क्षण भी गवाए आरक्षक गुलाब चंद धाकड़, रविंद्र धाकड़ एवं दीपेंद्र शर्मा दिल्ली ने तालाब में उतर कर महिलाओं की जान बचाई। कल नगर में एक आकस्मिक घटना हुई थी, भगवान जगन्नाथ स्वामी के आरती के उपरांत हम जगदीश मंदिर से आ रहे थे, वहाँ दो महिलाएं तालाब में कूद गई। निकलते निकलते एक शख्स ने आवाज़ की, भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो रहा कि हमें और माननीय एसडीपी साहब जी साहब हमने उसकी जानकारी दी। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की पूरी टीम वहाँ पहुँची, मुख्य जी से हम सबने मिलकर सारे अनुदान तक बचाया, दोनों महिलाओं को बचाया और अस्पताल सुरक्षित रास्ते भी वो फिर घर भेजा। पर इस कार्य को करने के लिए वहाँ कम से कम 100-200 युवाएं खड़े थे, जो लगभग वीडियो बनाने में, मोबाइल चलाने में, फ़ोटो खींचने में व्यस्त थे। तो मेरा उनसे आह्वान रहेगा, जब भी कोई शहर में या अन्य शहर में आप हो, चाहे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो, चाहे बस से एक्सीडेंट हो, चाहे नदी नाले उफान में, यदि आप सक्षम हैं अपनी जान को बचा के दूसरे की जान बचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस कार्य के लिए आगे आना चाहिए। तो मेरा ये आह्वान रहेगा उन युवा पीढ़ियों से कि नगर में कोई भी ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें अपना सहयोग निरंतर देते रहें। कीचड़ व गंदगी होने के बावजूद भी जैसे तैसे तीनों जाबाज महिलाओं को खींचकर किनारे पर लाया गया, जिसके पश्चात उन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। सभी लोगों को प्रेरित करने वाले कार्य के लिए नगरवासियों व पत्रकार गणों द्वारा थाना प्रभारी हेमचंद लाड़िया सहित तीनों जाबाजों का पुलिस थाना परिसर में सम्मान किया गया। महिला उनका जो लड़का था, नाती था, उसने बताया है कि सब मेंटली डिस्टर्ब थी, इनका इलाज भी चल रहा है और एक बार और उन्होंने इस प्रकार से धमकी दे रहे थे कि आप हम लीजिए मर जाएंगे, लेकिन वो पूर्व की घटना तो नहीं मालूम है, लेकिन कल की घटना तो थी कि वो तालाब में डूबी हुई थी और कमर के ऊपर कीचड़ में पानी में डूबी थी। जो मुझे सूचना मिली, मैं अपनी पूरे टीम को लेकर गया, तत्काल प्रधानाक्षक धाकड़ गुलाब को और रवि धाकड़ दोनों को बोला। वहाँ कम से कम 100 से 150 लोग बड़े तमाशा देख रहे थे, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, जबकि वहाँ गोताखोर भी थे और तालाब का जो ठेकेदार होता उसके कर्मचारी जो मछली पकड़ते वो भी थे। मैंने कहा ठीक, मैंने अपने दोनों को हेड साहब को और अपने जवान को बोला तत्काल खुलो, कुछ नहीं होगा, उन्हें डरो मत, उनके हौसले बढ़ाए। तो हौसला बढ़ाने से उन्हें तत्काल हमें खून के और उनके करीब पहुँचे, जब वो पहुँच गए उसके बाद वो कीचड़ में फंस गए। फिर हमने वहाँ रस्सी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी, लोडिंग गाड़ी। तो मेरे दिमाग में आया कि लोडिंग गाड़ी में रस्सी तो होती है, तो उसके अंदर गए तो रस्सी मिल गई वहाँ, फिर वो रस्सी तत्काल निकलवा के फेंकी, तो रस्सी के सहारे उनको खींच खींच बाहर किया और तो किनारे लाके फिर ऊपर लाए, तो वहीं पास में एक पानी की टंकी थी, उससे उनको दोनों को नहलाए और हमारे दोनों जवान रेड साहब दोनों ने नहाया, क्योंकि कीचड़ में पूरे संग गए थे, लथपथ। फिर वहाँ से अपनी थाने की मोबाइल से ले जाकर उनके इलाज के लिए अस्पताल में। सर लगभग कितने देर तक चला सर ये? करीब आधा 45 मिनट तक। सर पुलिस गैलेंट्री अवार्ड के लिए नाम भेजा जाएगा क्या सर? ये वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में है, हर चीज़ बता दी गई उनको, उनके निर्देश जैसे होंगे उसके आधार पर काम होगा। और तहसीलदार साहब भी थे तो उन्होंने बोला कि 15 अगस्त हम टीम को, पूरी टीम को इनाम मिलवाएंगे, उन्होंने कल ही बोला। तो ठीक है, इससे क्या है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनके हौसले बढ़ते हैं और कोई भी ऐसी घटना ये तो हो ना, अगर ऐसी घटना होगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे, बहादुर हैं वो दोनों, अच्छा काम है। इस दौरान भगवती शरण शर्मा, पत्रकार हीना मंसूरी, काजल बंशीलाल, परवेश जग्गा, लता साहू सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नरसिंहगढ़ से हीना मंसूरी की रिपोर्ट।